बातें सदन के अंदर और एक सदन का नेता बिहार जैसे प्रदेश का जिसका मुस्तबिल जिसके हाथ में हो लज्जा आती है कि हम इस वैसे राज्यों के नागरिक है जिस राज्य का मुख्यमंत्री इतने घिनौनी सोच वाला व्यक्ति स्पीकर साहब ने मुझसे कहा था कि मैं आप, आपको समय दूंगा बोलने का लेकिन मेरा नाम कटवाया गया तो नाम कटवाया गया तो फिर क्या रह गया तो मैं कह रहा कर क्या करता सदन के अंदर रहकर कोई संरक्षण नहीं मिलेगा आसन का भी संरक्षण मैं समझ रहा हूँ आसन मजबूर है आज पता चला कि नहीं वो सब तो राजनीति के लिए हो रहा था वो सब केवल वोट की के राजनीति वोट बैंक बनाने की राजनीति के लिए हो रहा था तो इन, इनकी तो असली तो सोच तो वही है असली उनकी सोच वही है जो आज उन्होंने दोनों सदन में अपने मुंह से मुंह से मैं कहूं तो हक दिया

मैने मित्रों के बीच में कभी कभी होती होगी तो होती होगी ऐसी बातें सदन के अंदर और एक सदन का नेता बिहार जैसे प्रदेश का जिसका मुस्तबिल जिसके हाथ में हो लज्जा आती है कि हम इस वैसे राज्य के नागरिक है जिस राज्य का मुख्यमंत्री इतने घिनौनी सोच वाला व्यक्ति है सोच घिनौनी है बुद्धि मारी गई है ये उम्र का असर नहीं है असली असर अब दिख रहा है पहले नाटक कर, कर कर के सुशासन बाबू बना के रखे हुए थे चित्र दिखता नहीं था अब तो जब जितनी बार मुंह खोलते इनका चित्र दिखना शुरू हो जाता है और आज तो आज तो सारी सीमा लांग कई महिलाएं भी बैठी हुई थी <coughs> सदन में वो मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी थी वो भी शर्म के मारे नहीं राबड़ी देवी जी सदन में नहीं थी जिस सदन में बात हुई थी इस विधानसभा में उन्होंने कहा विधान परिषद में भी सेम बातों को उन्होंने दोहराया जब सम्राट चौधरी ने जब इस बातों को कहा कि आप बस कीजिए तब इन्होंने मैं तो, तो वॉकआउट कर गया था मुझे तो लगा कि एक बार गलती करके दोबारा नहीं करेंगे मेरे वॉकआउट करने के बाद की बात है ये अच्छा ये तो मुझे पता ही नहीं था मेरे से तो देखिए हुआ ऐसा कि जब सदन में ये जातीय गणना के ऊपर में बात चल रही थी तो माननीय बिहार प्रदेश के अध्यक्ष भाजपा के सम्राट चौधरी भूष सदस्य हैं तो उन्होंने वक्तव्य रखा उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति कोई भी पार्टी जो है इसका जातीय सर्वेक्षण का असर विरोध नहीं भी कर नहीं कर रही नहीं कर सकती है तो मैंने कहा नहीं मैं भी विरोध नहीं कर रहा हूँ मैं पूरी तरह से मान्य मानता हूँ कि हर सरकार को अधिकार है कि जातीय सर्वेक्षण कराए लेकिन इसको सार्वजनिक करना आवश्यक नहीं था मैं इसके विरोध में हूं मेरे मुँह से इतना बात निकलना था कि मुख्यमंत्री खड़ा हो गए और खड़ा होकर तुरंत कहना चालू किया हम तो नौ पार्टी की मीटिंग करके कल हम लोग तो बात कर लिए थे इंडिपेंडेंट का उसमें क्या जरूरत है ऐसे बात करें ऐसे इंडिपेंडेंट जो है वो सदन का सदस्य नहीं होता शायद वो नहीं पता है कि वहाँ पाँच वहाँ आज की तारीख में भी पाँच इंडिपेंडेंट बैठे हुए थे पाँच एक दो नहीं मैं था सर्वेश जी थे गुलाब जी की पत्नी अंबिका जी थी ऐसे करके पाँच हम लोग थे तो अफाक अहमद साहब थे एक और नाम दिमाग में आ रहा है झट से हम लोग पाँच लोग वहाँ उपस्थित थे और आप कहाँ चाहते हैं कि हम पाँचों का सदन में बत्तव्य देने का अधिकार नहीं है किसी दल के पास अगर एक है तो उसको, उसको दल कहते हैं आप पांच इंडिपेंडेंट हैं हम लोगों को वैल्यू नहीं है अकेला भी मैं इंडिपेंडेंट हूं तो मेरा वैल्यू नहीं है जनता ने चुनकर भेजा है कि मैं सारण के जनता की बात वहां नहीं रख सकता हूं लेकिन उन्हें किया किया तो किया अभी सुनने में आ रहा है कि स्पीकर साहब ने मुझसे कहा था कि मैं आप आपसे आपको समझ दूंगा बोलने का लेकिन मेरा नाम कटवाया गया तो नाम कटवाया गया तो फिर क्या रह गया तो मैं क्या करता अगर सदन के अंदर रह कर कोई संरक्षण नहीं मिलेगा आसन का भी संरक्षण मैं समझ रहा हूँ आसन मजबूर है क्योंकि इस आदमी का तो कोई ठीक है नहीं आज आसन को भी बेजत कर देते वो मिनट नहीं लगता यही था पहले विजय सिन्हा को आपने देखा था पिछले बार जो सरकार थी उनकी भाजपा बा के साथ में तो विजय सिन्हा को किस तरह से विधानसभा के अंदर बार बार, बार दल बदलने बार, की भी बात कह रहे हैं हमारे है, बारे में कहा उन्होंने कि पहले हमारे साथ थे हमको छोड़ के भाजपा में गए आज के इंडिपेंडेंट हैं तो हम तो केवल आपके साथ गए आपका मान बढ़ाए और वहाँ से भाजपा में गए भाजपा का मान बढ़ाया आज इंडिपेंडेंट हूँ आप तो पता नहीं कितना दल घूम गए कितने दलों के साथ में रोजगल बहिया करते हैं छोड़ते हैं तो इस बात का जवाब दे सकते, दे हैं। सकते तो मौका मिलता देता भी मैं शायद आपके आपको आपने मौका दिया तो मैं दे रहा हूँ कि उनके जैसा बदलू आदमी पलटू आदमी किसी दूसरे को कहे कि आप यहाँ थे तो वहाँ गए

पॉइंट थर्टी फोर पॉइंट वन सेवन परसेंट लोग महीना में परिवार महीना में छः हज़ार से कम इनकम है चौंसठ लगभग चौंसठ परसेंट लोगों की आमदनी दस हज़ार महीने से कम है और लगभग बयासी परसेंट लोगों की आमदनी बीस हजार से कम है और उसमें हर जाति वर्ग के लोग हैं ब्राह्मण भी पच्चीस परसेंट गरीब हैं मैंने छ हज़ार से नीचे वाले हैं सत्ताईस साढ़े सत्ताईस परसेंट भूमिहार परिवार के लोग हैं जिनका छः हज़ार आमदनी नहीं है ठीक है थी पिछड़ों में थोड़ी संख्या ज्यादा है उनसे ज्यादा जो है वो दलितों में बात सही है लेकिन चौंतीस प्रतिशत लोग छह हजार भी महीना ना कमाते हो वो आदमी का जीवन जी रहे हैं मैं परिवारों की बात कर रहा हूँ घर तो के बाद क्या ऐसे मुख्यमंत्री का फिर से आप लोग सामना कर पाएंगे सदन में देखिए उपाय तो कुछ है नहीं सदन के जो भी है आज के तारीख में वही नेता हैं और उन्हीं के पास संख्या है और लाइक like माइंडेड लोग इकट्ठा हो भी गए हैं उनको भी वही सब अच्छा लगता है जो नीतीश जी को अच्छा लगता है और आपने कहा है कि राबड़ी जी की उपस्थिति में विधान परिषद में दोबारा उन्होंने वो अश्लील बातें कही हैं सम्राट चौधरी ने नहीं टोका होता तो वो फिर से बातों को तो मैंने वो जा जो जो कर जो कर रहे थे इसके बाद अब क्या कहा जाए मतलब उनको एहसास भी नहीं है

कई जगह रिजर्वेशन वगैरह देकर दिखाया खासकर पंचायती राज व्यवस्था में पचास प्रतिशत जो दिया लड़कियों को मोटरसाइकिल वगैरह जो दिया छात्राओं को तो मुझे लगा कि महिला सशक्तिकरण के बारे में ये आ, मतलब संवेदनशील है आज पता चला कि नहीं वो सब तो राजनीति के लिए हो रहा था वो सब केवल वोट की राजनीति वोट बैंक बनाने की राजनीति के लिए हो रहा था तो इन, इनकी असली सोच तो वही है असली उनकी सोच वही है जो आज उन्होंने दोनों सदन में अपने मुंह से मुंह से मैं कहूं तो हक दिया शब्द के इस्तेमाल में सोच के बोला रोक कर बोला तो फिर छुपा किस बात इससे गंदा कुछ हो नहीं सकता है ना इससे गंदा ते इससे मतलब तो आज उन्होंने

नीतीश कुमार के पद जो है पद पर बने हुए हैं अब इन्हें क्या आगे कहा जाए ये तो देखने वाली विषय होगी लेकिन फिलहाल कल किस प्रकार से सदन की कार्यवाही चलती है क्या कुछ होता है पल पल की खबर जो है न्यूज नेशन आप तक जरूर पहुंचाएगा अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए धन्यवाद